वेलकम बैक टू TTWS ब्लॉग्स। तो आज एक रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, मैंने कहीं खाई थी, जो कि है लहसुनिया मेथी। मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली, तो मैंने सोचा क्यों ना उस स्वाद को आप लोगों के साथ रिक्रिएट किया जाए, आप लोगों के लिए रिक्रिएट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। लेकिन उससे पहले अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट पे, और यूट्यूब पे मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो लहसुनिया मेथी बनाने के लिए हमने लिया है पैन। पैन के अंदर हमें रोस्ट करना है ये चना, ये है मूंगफली, और साथ ही साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा लगभग ये 2 चम्मच तिल है। हालांकि ये रोस्टेड तिल है, लेकिन मैं फिर भी इसके साथ इसे ड्राई रोस्ट कर रही हूं। तो ये देखिए, ये हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। जो सेसमिक सीड है वो पॉपअप करने स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए अब गैस की फ्लेम को करते हैं ऑफ, और मिक्सी के जार में इसे हम पीस लेते हैं। एक हमें पेस्ट बनाना है, तो हल्का पानी का यूज करके हम पेस्ट बना लेते हैं। तो ये पेस्ट हमने पीस के तैयार कर ली है। साथ ही साथ मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है, ऑयल को मैंने गर्म होने रख दिया था। अब डालते हैं हम इसके अंदर थोड़ी लहसुन। पूरी लहसुन का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आगे भी लहसुन चाहिए तड़के के लिए। लहसुन को भूनते हैं हल्का सा, और साथ ही साथ इसमें हम डाल देते हैं ये मेथी। मेथी के साथ साथ डालते हैं इसके अंदर हम हल्का सा नमक। इसे हमने ज्यादा देर नहीं भूनना है, बस मुश्किल 2 से 3 मिनट इसे हमने भूनना है। तो ये देखिए, मेथी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, गर्म हो चुका है ऑयल। डालते हैं इसके अंदर जीरा, साथ ही साथ डालेंगे इसके अंदर हम ये चॉप की हुई अनियन। तो अनियन को जो है हमने उसके ब्राउन होने तक, जब तक अच्छे से कैरमलाइज नहीं हो जाती अनियन, तब तक भूनना है। ये प्याज हमारी भून चुकी है। अब जाएंगे इसके अंदर हमारे बेसिक मसाले, जैसे कि जाएगी इसके अंदर मिर्च पाउडर, जाएगा कोरिएंडर पाउडर, और साथ ही साथ इसमें डालेंगे हम हल्का सा नमक, और जो ये पेस्ट तैयार की थी हमने, ये भी इसके अंदर डाल देंगे हम। पेस्ट की थिकनेस आप देख ही रहे हैं। मसालों के साथ थोड़ा सा इसे हम भून लेते हैं। तो ये मसाला देखिए अच्छे से भून चुका है। अब जिस जार में हमने इसे पीसा था, हम उसी में से हमने थोड़ा पानी डाल लिया है, और इसको हम भूनते हैं इसके अंदर। अब आप देख रहे हैं कि ग्रेवी ने तला छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, ये देखिए किस तरह से। अब हम डालते हैं इसके अंदर ये टमाटर की प्यूरी, ये एक मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी है, ये हमने इसमें डाली है, और इसको 2 से 3 मिनट और भूनेंगे। अब आप देख रहे हैं हमारी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो रही है। अब डालते हैं ये जो मेथी हमने इसमें तैयार की थी पहले, तो ये मेथी इसमें डाल देते हैं। नमक का यूज मैंने इसमें बहुत ध्यान से किया है, क्योंकि मेथी पकते वक्त भी मैंने नमक का यूज किया था। तो मैंने ग्रेवी में नमक लिमिट में ही डाला है, ये ना हो कि आप ज्यादा डाल दो, स्वाद के अनुसार ले लो, फिर आप बोलो कि श्वेता ने तो बताया नहीं। तो मैंने तो अपने स्वाद के अकॉर्डिंग यूज किया है, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग यूज कीजिएगा। तो चलिए इसे अब 2 से 3 मिनट और पकने देते हैं। तो चलिए ये सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है, लहसुनिया मेथी आपकी। तो गैस की फ्लेम को करते हैं ऑफ, और इसके तड़के की तैयारी करते हैं, और साथ ही साथ करेंगे प्लेटिंग। अभी तड़का पैन में हमने थोड़ा सा घी लिया है, इसके अंदर हम डालते हैं हींग, डालेंगे थोड़ा सा जीरा, डालेंगे ये 2 साबुत लाल मिर्च, और डालेंगे इसके अंदर हम हल्का सा लहसुन। जो लहसुन हमने बचाया था वो लहसुन हम इसके अंदर डाल देते हैं। लहसुन हल्का सा सुनहरा हो जाए बस हमारा, तब तक हमें करना है। और इसमें हम डालेंगे हल्की सी कलर के लिए देगी मिर्च, जैसे कि लहसुन हो चुकी है हमारी, हल्की सी देगी मिर्च। और ये तड़का हमारा तैयार हो चुका है, तो चलिए लगा देते हैं तड़का। आप सभी के लिए लहसुनिया मेथी। लहसुन और मेथी के बेनिफिट्स आप सभी को पता है। लहसुन हमारे हार्ट के लिए अच्छी है, तो जो मेथी है वो शुगर के लिए अच्छी है। तो चलिए सबसे पहले तो इसका स्वाद चेक कर लेते हैं कि कैसा है।
लहसुन का करकरापन, जो एक लास्ट में हमने तड़का डाला है उसमें जो करारापन है वो, और फ्लेवर लहसुन का अमेजिंग। लेकिन आप लोगों को तो तब तक नहीं मिलेगा ये खाने को जब तक आप बनाओगे नहीं, लेकिन बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। मुझे जरूर बताइएगा आपको कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, स्वाद आपको कैसा लगा, क्योंकि नो डाउट रेसिपी बहुत मजेदार है, एंजॉय करेंगे आप लोग। तो चलिए फिर बनाए खाएं, एंजॉय करें, बताइए जरूर स्वाद कैसा लगा। बाकी चैनल पर नए हैं या विजिट किया है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन के साथ में और का ऑप्शन आएगा, याद से दबाइएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट देके जरूर बताइएगा, जो जो रेसिपी ट्राई करेगा वो मुझे जरूर बताए कि आप लोगों को स्वाद कैसा लग रहा है। बाकी अगली वीडियो का मेरे इंतजार करते रहिएगा, मजेदार धमाकेदार रेसिपी लेके आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। I'll never see you happy. You always treat me badly. You say I'm.